चोरी की घटना तो आप अक्सर सुनते होंगे, पर क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि चोर 60 फीट लंबी लोहे के पुल को ही उठा कर ले गए हो? जी हाँ, एक ऐसी ही अजीबोगरीब घटना यूपी से सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के उज्जैनी गांव में 10 टन से अधिक वजन वाला 50 मीटर ऊंचा मोबाइल टावर चोरी हो गया है। वहीं इन सब में खास बात यह है कि एक टेक्नीशियन ने पुलिस को मामले की सूचना बुधवार यानी 29 नवंबर को ही दी थी, लेकिन उसकी शिकायत में कहा गया कि टावर 31 मार्च को गायब पाया गया था। पुलिस ने उसकी शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायत में कहा गया कि सिर्फ टावर ही नहीं बल्कि मोबाइल टावर, असेंबली के सभी हिस्से जैसे एक शेल्टर, बिजली की फिटिंग और अन्य उपकरण भी गायब है। वहीं इन सभी चीजों की कीमत 8.5 लाख रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। इस घटना से पुलिस गुरुवार को बेहद परेशान रही। इस मामले में संदीपन घाट पुलिस स्टेशन की एक टीम ने मौके का निरीक्षण किया और जमीन मालिक और स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। टेक्नीशियन राजेश कुमार यादव ने बताया कि उनकी कंपनी ने जनपद कौशाम्बी में अलग स्थानों पर 16 मोबाइल टावर निजी कंपनियों के मोबाइल सिग्नल फ्रीक्वेंसी के लिए इंस्टॉल किए थे। वही कंपनी का एक टावर संदीपन घाट के उज्जैनी खालसा गाँव में उबैद उल्ला पुत्र मजीदुल्ला की जमीन पर लगाया गया था। इस बीच 31 मार्च 2023 को जब टेक्नीशियन राजेश लोकेशन पर पहुंचा, तो जमीन पर लगा टावर का पूरा स्ट्रक्चर व सेटअप गायब मिला। जब जमीन के मालिक से पूछताछ की गई तो मालिक ने जानकारी होने से इनकार कर दिया। राजेश ने इसकी जानकारी कंपनी को दी। घटना के 9 माह बाद कंपनी के टेक्नीशियन ने मंगलवार को FIR दर्ज करा दी। वहीं थाना प्रभारी भुवनेश चौबे ने बताया कि GDL कंपनी के कर्मी की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहिए जनहित टाइम्स।